बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपको पता है कि हम लोग कुछ बात कर रहे थे, सीरीज बना रहे थे एडमिशन से रिलेटेड, और कुछ उसके रिलेटेड जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी बोर्ड पर, तो कुछ उस बारे में ही बात करनी है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, हम थोड़ा इस बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। जितने भी नए बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इस बार उनका एडमिशन हो जाए, वो थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिएगा, आपके जरूर से काम आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और मिले तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो बच्चे नए हैं, जो नए आने वाले चैनल के ऊपर आने वाले हैं, उन बच्चों को बता दें कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेज में, ऑफ कैंपस कॉलेज में पढ़ाता हूँ। हालांकि मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, कंपैरिजन काफ़ी किया है मैंने पहले भी वीडियोज़ में कि इन कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। और आप चाहें तो पुराने वीडियोज़ जो है आप जाके देख सकते हैं, चैनल के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी जानकारी जो है चैनल के ऊपर डाली गई है। तो अब ज़रा एक बार जल्दी से जो है आ जाते हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सबसे पहले जो है एडमिशन जो है 2021 जो शुरू होने जा रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जो एडमिशन है वो टोटली ऑनलाइन होने जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी कॉलेज में फिजिकली जाना नहीं होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये अब हर साल होगा, मतलब ये क्लियर कर दिया गया कि अब ऑफलाइन एडमिशन्स नहीं हुआ करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ये भी जो है क्लैरिफिकेशन आ गया है। बच्चों कोई भी अगर एडमिशन ले रहा है तो वो जनरल या फिर रिजर्व कैटेगरी में होगा, और जब हम रिजर्व की बात करते हैं तो उसमें OBC, EWS, SC, ST और अदर में काफ़ी सारे आते हैं इसमें। इनके बारे में फिर कभी आगे डिटेल में वीडियोज़ में बात करेंगे कि और कौन कौन से हैं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही दिनों में ये सब आने वाले हैं, और सबके बारे में जो है जानकारी आपको मिलती रहेगी। जहाँ तक बच्चों जनरल कैटेगरी की बात हम लोग कर रहे हैं, जनरल हो या रिजर्व हो, सबका जो एडमि जो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम ही रहेगा। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन, जब आपने अप्लाई की है, तो क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो वो आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट भी होती है, प्लस में वो टीचर के पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एडमिशन में हूँ तो मेरे पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट होगी, मुझे दिखेगा कि किस बच्चे ने अप्लाई किया है। मान लीजिए एक बच्चा है, कोई एक बच्चा है ए ए ए ए स्टूडेंट मान लेते, एक बच्चे को उस स्टूडेंट, वो जो ए स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का नाम हमारे पास भी रिफ्लेक्ट होगा कि उसने अप्लाई किया है। आप अपना काइंड ऑफ इंटरेस्ट अपने पोर्टल से दिखाएंगे कि आपको कालिंदी कॉलेज में या रामजस कॉलेज में या एक्स कॉलेज में या वाई कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो वो हमारे पास में रिफ्लेक्ट होगा कि ये बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हमारे पास में वो एप्लीकेशन जो है वो आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक्चुअली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट उस एप्लीकेशन में शो करना है, आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगी। आपको सिर्फ अपना जो है वहाँ से अलाउ करना है, आपको ओके करना है कि हाँ आप जो है इस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप एक कॉलेज से ज़्यादा में कॉलेज में अप्लाई एक समय पर नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कट ऑफ आ रही है, तो अभी टेंटेटिव डेट्स बोली गई है, एक से लेकर तीन के बीच में कट ऑफ आएगी, फर्स्ट कट ऑफ। तो जैसे ही फर्स्ट कट ऑफ आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ शाम के समय में आएगी, और कट ऑफ जब आएगी तो आपका जो है किसी ना किसी कॉलेज में आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि इन इन कॉलेज में आपका जो है आ गया है एडमिशन, जो है आप इनके लिए एलिजिबल हो गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर जैसे बच्चे ने इंटरेस्ट दिखाया कि मेरे को रामजस में या मेरे को किरोड़ीमल में या मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जब वो अपना इंटरेस्ट वहाँ शो करेगा तो हमारे वाले पोर्टल पे भी वो रिफ्लेक्ट होगा, और एडमिशन सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अगर आप रात को 10 बजे या फिर सुबह 8 बजे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इमिडिएटली आपकी एप्लीकेशन शुरू नहीं होगी। सुबह का कुछ ऑफिशियल टाइम होता है, वो अभी आना बाकी है हम टीचर्स तक, बट डेफिनेट जैसे 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 वो आता जाएगा वैसे वैसे जो है इन्फॉर्मेशन आपको तो देते जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एप्लीकेशन अगर आ जाती है, तो हम उस एप्लीकेशन में क्या करने वाले हैं, हम उस एप्लीकेशन जब हमारे पास में आएगी तो प्रोसेस शुरू होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आपको एडमिशन के लिए 3 दिन मिलते हैं, तो बच्चे आखिरी दिन में अप्लाई करते हैं, और मान लीजिए इनकेस वो आखिरी दिन में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो जैसे ही आपका जो है नंबर किसी कॉलेज में अगर आ गया है, सपोज आपका किसी सीट पे आ गया है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है पहले ही दिन अप्लाई कर देना है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। बात करिए अपने आसपास टीचर से, बात करिए किसी से भी, बात करिए। मेरे चैनल के पे बहुत सारे पुराने बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो इस प्रोसेस से होके निकले हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, और मैं यही चाहता हूँ कि सब एक दूसरे की हेल्प करें, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जब आपकी एप्लीकेशन आएगी तो सबसे पहले वो हम तक आती है, फिर हम उस एप्लीकेशन में चेक करते हैं कि उसमें जो उसके मार्क्स हैं और जो आपने रोल नंबर दिया है, CBSE की वेबसाइट पर जाके देखते हैं कि आपने जो मार्क्स डाले हैं और जो एक्चुअल जो मार्कशीट है उससे आपके मार्क्स जो है टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब हम लोगों को देखना होता है। तो वो सारी जब जब इन जब सारी चीज़ें वेरीफिकेशन हो जाती है, तो पहले एक बेसिक वेरीफिकेशन होता है, वो हो जाने के बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर कमेटी जो कि वेरीफिकेशन कर रही होती है वही डिसाइड करती है कि ये एप्लीकेशन पेंडिंग में जाएगी या रिजेक्ट में जाएगी।
अब रिजेक्शन के कई सारे केसेस हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो कॉलेज है वो एक गर्ल्स कॉलेज है और एक मेल चाइल्ड ने उसमें अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन रिजेक्शन में ही जाएगी, पेंडिंग में नहीं जाएगी। कई सारे रीजन होते हैं जिसमें एप्लीकेशन डायरेक्ट जो है वो रिजेक्शन में चली जाती है, पेंडिंग में जाने का तो मतलब ही नहीं है। कई ऐसी एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता है और उसके पास में वो सर्टिफिकेट नहीं था जिस टाइम उसने अप्लाई किया था, तो वो एप्लीकेशन पेंडिंग में चली जाएगी और हम आपसे जो है कोई स्कैन डॉक्यूमेंट उसका हम जो है मांगेंगे। इन केस आपके पास वो स्कैन डॉक्यूमेंट नहीं है तो बच्चे उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कॉलेज जो है एक अंडरटेकिंग भरवाएगा, आपको एक फॉर्म भरवाएगा कि आप जो है बाउंडेड हैं कि आप 15 दिन के अंदर अंदर ये जो डॉक्यूमेंट है देंगे और नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यूजुअली आपको काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस, हर कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया। हालांकि यूनिवर्सिटी का 15 दिन का रूल है, लेकिन अगर 15 की जगह 16 या 17 दिन हो जाते हैं तो इतना बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि आप 15 की जगह 10 दिन के अंदर अंदर ही ये काम करिए। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर ओबीसी का या ईडब्ल्यू या फिर ईडब्ल्यूएस का या कोई भी सर्टिफिकेट अगर उसने अप्लाई किया हुआ है तो उसकी उसके पास में कोई रिसेप्ट होनी चाहिए कि मतलब उसने हाँ वो स्किल डॉक्यूमेंट के लिए डिमांड की हुई है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा जब आपका जो एप्लीकेशन है कोर कमेटी से जब पास हो जाती है तो फिर वो को कन्वेनर तक जाती है, को कन्वेनर इसी चीज़ को वेरीफाई करता है अगेन, फिर वो कन्वेनर तक जाती है और इस तरीके से वो प्रिंसिपल मैडम तक पहुंचती है। और जब एप्लीकेशन प्रिंसिपल मैम से अप्रूव होती है तब आपका फी डिपॉजिट का लिंक खुलता है उसी वाले पोर्टल पर जो पोर्टल आपका है, तो उसी सेम पोर्टल पे आपका जो है वो लिंक खुलेगा और उसी के थ्रू आपको जो है अपनी फीस को डिपॉजिट करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझिए कि आपने सारी डिटेल्स अपनी जो है डाली हुई हैं, उन्हीं के थ्रू जो है आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट करने का आपको समय जो है वो मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर पहला दिन जो है आपकी कट ऑफ आया था, पहले दिन ही आपने एप्लीकेशन दी, आपकी एप्लीकेशन क्लियर हो गई, तो आपको जो है शाम तक आपको 5 बजे तक आपको जो है लिंक आ जाएगा। कई बार लिंक नहीं आता है तो अगले दिन आ जाएगा। 3 दिन का समय अगर सपोज एक पहले तरीक को अगर आपके जो है एडमिशन ने प्रोसेस किया तो पहला दिन तो सारा इन सब में चला जाएगा, तो हो सकता है शाम तक ना आए तो अगले दिन आपका जो है फी डिपॉजिट का लिंक खुल जाएगा। और अगर आपने उस दिन भी अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल अभी नहीं होगा, अभी वो होल्ड पे है, अगले दिन आपको फिर मौका मिलेगा डिपॉजिट करने का। तो रात को 12 बजे तक आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर आपने फी डिपॉजिट नहीं करी तो फिर आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें कई सारी बातें हैं बच्चों, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हम इस कट ऑफ में एडमिशन नहीं लेंगे, हमारा इस कट ऑफ में आ गया है, हम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, हम अगली वाली कट ऑफ में ले लेंगे इसी कॉलेज में। तो आपको बताते हैं जिस कॉलेज में एक बार आपका नंबर आ गया और अगर आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो फिर इसका मतलब ये कि आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है। बीच में कुछ स्पेशल ड्राइव और स्पेशल कट ऑफ्स आएंगी जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, जो कि जब आएंगी तभी बताने का जानकारी का देने का समय रहेगा, बट उनकी कोई गारंटी नहीं होती है वो आएंगी नहीं आएंगी, कितनी आएंगी, कितना उसमें एडमिशन गारंटी नहीं होती है, बट कुछ बच्चों को बेनिफिट डेफिनेटली से मिलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो रहा है और आपको जो है सीट रिजर्व करनी है तो अपनी सीट को जो है रोक सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर यही कुछ कन्फ्यूजन बच्चों को रहेंगी और मैं आप लोगों से बहुत उम्मीद करूँगा कि आप लोगों से 1 नवंबर को यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए और आपसे मिलने का मौका मिले, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है एक ब्रीफ वीडियो था जिसमें आपको बताने की कोशिश मैंने करी कि किस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, ओबीसी एससी एसटी वालों का तो सबको पता है कि एक मेन सर्टिफिकेट होता है, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का जो सर्टिफिकेट है वो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, तो 31 मार्च के बाद वाला ही जो है सर्टिफिकेट चलेगा। मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में सारी जानकारी दी है, मुझे पूरी उम्मीद है आई थिंक हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो है मोस्ट ऑफ द कवर कर ली है। इसके अलावा आपको कुछ भी लग रहा है कि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है तो आप जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी एक वीडियो के थ्रू आपके आंसर सारे के सारे कर दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरा नाम है अंकुर आनंद, बाय।